दोस्तों, एक अच्छी जिंदगी जीना, शांतिपूर्ण तरह से जीवन व्यतीत करना और हर तरह से संपन्न बनने की ख्वाहिश प्रत्येक व्यक्ति की होती है। उसमें आप और हम भी शामिल हैं। तो यह कैसे संभव है कि हमें अपने जीवन में यह सब कुछ प्राप्त हो जाए? दोस्तों, इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह वीडियो हम बाबा नीम करौली महाराज जी से प्रेरित होकर बना रहे हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, यह बात आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसी सलाह देते होंगे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। उल्टा शॉर्टकट की वजह से कभी कभी हमें नकारात्मक परिणाम अपने जीवन में भुगतने पड़ जाते हैं। दोस्तों, गलत संगति से अच्छा है कि आप अकेले रहें, क्योंकि अकेले रहने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे आप कभी जीवन में भटकोगे नहीं और आप अपने आप को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओगे। आपके अंदर क्या प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और आप अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं इत्यादि। दोस्तों, क्रोध, लालच, वासना, असहाय कमजोर व्यक्तियों पर अत्याचार करना, अपने माँ बाप के साथ अभद्रता भरा व्यवहार करना, झूठ बोलना, यह सब नरक के द्वार हैं जो आपके जीवन का भाग्य उदय कभी नहीं होने देंगे, तो इनसे बचें। दोस्तों, धूम्रपान, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करना हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इन सब नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव हमारे खुद के जीवन के साथ साथ हमारे साथ जुड़े और लोगों के जीवन पर भी पड़ता है, जिससे कलह का माहौल बनता है और हम हर तरह से अपनी बुद्धि और अपने जीवन की दुर्दशा कर लेते हैं। सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और चारों तरफ से हम घिरते चले जाते हैं। दोस्तों, एक अच्छी जिंदगी जीना, शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करना और हर तरह के से संपन्न बनने की ख्वाहिश को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने जीवन से नकारात्मक चीजों का और नकारात्मक व्यक्तियों का त्याग करना होगा, फिर आप खुद ही अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।